गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रेसल भी। तो भाई लोगन पॉल ने रिसेंटली एक बात कही है जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। एंड वो बात क्या है कि वो टीम अप करना चाहते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। यस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोगन पॉल ने किसके बारे में ऐसे बात कही। तो आज की वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे लोग जो भी चैनल पर नए हो तो भाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करते हैं हम लोग लोगन पॉल के बारे में। तो भाई लोगन पॉल अपने रिसेंटली इंपल्सिव पॉडकास्ट में बात करते हैं कि उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर वो टैग टीम बनाना चाहते तो वो किसके साथ। तो लोगन पॉल कहते हैं कि भाई हर किसी का सपना रहता है कि वो टैग टीम भी अगर है तो वो रेसलमेनिया में जाकर के रेसल करे, लेकिन उनका ड्रीम है कि वो डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ अपनी एक टैग टीम बनाए। हालांकि हमने देखा था कि रेसलमेनिया में इनका मैच हो चुका है एंड जहां पर से लोगन पॉल हार गए थे, लेकिन अभी उन्होंने जो डिमांड रखी है वो ये रखी है कि लोगन पॉल डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ एक हील टीम बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त डोमिनिक मिस्टीरियो को जो हील टाइप का रिएक्शन मिल रहा है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का मिल रहा है। एंड बात करें लोगन पॉल को तो भाई इनको तो स्टार्टिंग से ही एकदम बहुत ही ज़्यादा गंदा बू रिएक्शन मिलता है। एंड इन दोनों की जब एक साथ भाई टीम बन जाएगी तो WWE को इस बहुत ही ज़्यादा बू टाइप का रिएक्शन मिलेगा। एंड WWE को यही चीज़ चाहिए जो कि होता है रिएक्शन एंड अटेंशन। एंड भाई उन्होंने ये भी कहा अगर हम दोनों की आपस में टैग टीम बन जाते तो हम WWE को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। एंड क्या आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ आप लोग को क्या लगता है अगर लोगन पॉल और डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी आपस में टैग टीम बनाते हैं तो इस टैग टीम का नाम क्या होगा एंड क्या ये उतना ही हील रिएक्शन ला पाएगी जितना WWE चाहती है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।